हाय गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल वीएम ब्लॉग्स। आई एम विवेक मिश्रा, आई होप ऑल ऑफ यू गुड। तो गाइस, हम आज आपके लिए लेके आए हैं नया वीडियो, जिसमें अभी मैं बता देना चाहता हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ जैसे कि काफी लोगों का चैनल हैक हो रहा है यूट्यूब पे, बहुत दिन से हो रहा है, लेकिन आने वाले दो दिन या तीन दिन में काफी लोगों का चैनल हैक हुए हैं। तो जैसे मैं इसके लिए इन्फॉर्मेशन और अच्छा वीडियो में क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैंने देखा भी, मैं देख रहा हूँ मनोज देव ने भी एक वीडियो पर डाला है इसके पर्पज में, कैरी मिनाटी का। तो कैरी मिनाटी का चैनल जो हैक हो गया है और काफ़ी लोगों का चैनल हैक हुआ है, सिंगर का भी हैक हुआ है और तीन लोगों और एक हुआ है, एक वाइन से बनाता था उसका भी हैक हुआ है, गेमर का भी हैक हो चुका है। तो उनका जो रिटर्न का पॉलिसी क्या है, कैसे वो रिटर्न आएगा, वो सब तो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं टाइम, लेकिन एक बार अगर उस कोई हैक कर लेता है आपका, तो वो अपने वीडियो डाल के उस हिसाब से बना के आपके पैसे या आपका पूरा बहुत ज़्यादा घाटा जाता है। तो ये ऐसा ना करो, और ये गलतियाँ अपने से ही होती हैं और बिना गलती के ये नहीं हो सकता। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि आप मतलब अपने से कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने गलती किया है, आपने कोई गलती किया है तब जाके ऐसा होता है। तो ये कहाँ से होता है, मैं आपको पहले समझा देना चाहता हूँ। ये होता है स्पॉन्सरशिप है क्या, ये मैं जानता हूँ, सबको पता होगा, जिसे नहीं पता होगा मैं इसे बता देना चाहता हूँ, या फिर और अच्छे से जान लो, है ना। स्पॉन्सरशिप ये होता है कि आप जैसे यूट्यूब का आपका चैनल है यूट्यूब में, तो ईमेल आता है आपकी ईमेल आईडी पे, उसी ईमेल आईडी पे या फिर उसी ईमेल आईडी पे आएगा, जब आपके सब्सक्राइबर 1000 से ज़्यादा है, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तब ये आते हैं कि आप हमारा, ये हमारा ऐप है, आप इसे इंस्टॉल कर लो, हम इतने पैसे दे रहे हैं आपको, आप इसका एक वीडियो आप अपने चैनल पे बना दो। तो ये होता है स्पॉन्सरशिप, और यूट्यूब की कमाई यूट्यूब से इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी स्पॉन्सरशिप से होती। तो स्पॉन्सरशिप से बहुत कमाई होती है, यूट्यूब में इतने पैसे नहीं मिलते हैं, यूट्यूब एड्स में तो लोग आजकल पूरा एड्स देखते नहीं है, स्किप कर देते हैं, नहीं मिलता, इसलिए स्पॉन्सरशिप से पैसा मिलता है, इसलिए लोग लालच में आके कर देंगे। आप करो, ऐसा नहीं है आप करो, लेकिन जो जेन्युइन हो और जो सही तरीका हो, जिस कंपनी को आप जानते हो जिसके बारे में, और थोड़ा सा उसकी ईमेल और बार्गेनिंग सब होता है तुरंत, ऐसा नहीं है मैं 10,000 रुपये दीजिए, थोड़ा बहुत वो आपसे पूछते हैं कि पहले क्या कितना आपका चार्ज है, क्या कैसे आप लेते हो, तो आप पहचानो। और कैरी मिनाटी है, अब वो इतने बड़े उनके यूट्यूबर्स हैं, उनको सब पता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है उनको मतलब पूरी जानकारी मिल जाती है, उनको लालच आया स्पॉन्सर, तो उन्होंने भी ऐसा किया होगा, जहाँ तक मेरा मानना है उन्होंने भी यही गलती की होगी। तो वो ऐसी गलती कोई भी यूट्यूबर ना करे, स्पॉन्सरशिप देख के करे, है ना, इसी से होता है, और कोई हैक ऐसे नहीं कर सकता है। और हाँ, कैरी मिनाटी का चैनल हैक हो चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका चैनल सही हो जाएगा, और बहुत सारे वीडियो काफ़ी लोगों ने बनाया है कि कैसे आप अपना चैनल रिकवरी कर सकते। तो गाइस, मैंने एक अपने दोस्त से बात किया, वो भी यूट्यूबर है, तो उसने बताया कि उसका एक फ्रेंड है जो डबिंग करता है, साउंड का डबिंग करता है, वाइंस का बनाता है, कॉमेडी सीन बनाता है, उसका चैनल हैक हो गया, उसके 50K सब्सक्राइबर थे, 50K सब्सक्राइबर, हाँ। तो उसने फिर उसने मेरे से बात की थी कुछ दिन पहले, और उस बंदे से भी मेरे दोस्त से बात किया था, तो उसने अपने रिकवरी का पूरा मतलब ट्राई किया था, रिकवरी हो गया था, उन्होंने मनोज देव ने इसके वीडियो भी बनाया था, और काफ़ी लोगों ने बनाया है, टेक्निकल गुरु जी ने भी बनाया है इस पर एक वीडियो। तो अगर किसी को दिक्कत है जाकर देख लो, अगर और जानकारी चाहिए तो मैं उसके लिए भी मैं वीडियो खुद बना लूँगा, और अच्छे से बना लूँगा, कि जो लोग वो बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो अगर वो कुछ भूल गए होंगे, तो मैं उसको भी मैं देखूँगा कि क्या भूलें, और उससे अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा, और मैं बना दूंगा। अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो आप कमेंट कर दो। और हाँ, अब मैं बता देना चाहता हूँ आप इस स्पॉन्सरशिप से बच कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। पहली बात तो आप कम से कम स्पॉन्सरशिप करिए, जब आपके कम से कम 20,000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो तब करिए, और अपने फर्जी ईमेल से दूर रहिए, और आप कम्युनिटी और गाइडेंस, यूट्यूब की जो नई नई गाइडेंस आती रहती है, उसको लगातार आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए, है ना, और लोगों से जुड़े रहिए। इससे क्या होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी हैकर्स मार्केट में न्यू आते हैं, तो वो आपको पता चलता रहेगा कि मेरी नई हैकर्स आ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अपने यूट्यूब को से, और नियमित मतलब नियमित रूल से, तो आप 5-6 महीने आप अपना ईमेल एड्रेस का पासवर्ड भी चेंज करते रहिए, वो भी बहुत जरूरी माने लगता है। और कभी कोई नई वेबसाइट जो आप नहीं जानते हैं और जानकारी नहीं है, उसे ना खोलें, तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो कह रहे हैं मिनाटी का वो तो बड़े यूट्यूबर्स उनका हो जाएगा, लेकिन हाँ, एक चीज और, यूट्यूब का जो पॉलिसी होता है 1,000 से लेके जितने भी मिलियन रहते हैं सब्सक्राइबर्स के भी, सबका एक बराबर रहता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिलता है गाइडेंस से, है ना, यूट्यूब क्रिएटर्स को सपोर्ट ज़्यादा मिलता है, और जिसका कम रहता है उसको कम मिलता है, लेकिन रूल सबके लिए एक ही होता है। तो जैसे मैं अभी मैं बता देना चाहता हूँ, साहिबाबाद से एक लोगों ने मैसेज किया था, जिसका मैंने अभी मैं खुद वीडियो देख के और नॉन सब सर्च करके उनका मैंने रिकवरी किया उनका चैनल, अभी रिकवरी किया, हो गया रिकवरी, और वो मुझे बहुत थैंक फॉर्स बोल रहे थे, इसलिए मैं उन भाई को बोल देना चाहता हूँ कि आप अब इस बार केयर रखना, और लोग भी अपने चैनल का केयर रखना, है ना। और जो यूट्यूबर्स नहीं है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आप कुछ भी चीज़ हैक हो सकता है, इसलिए आप फर्जी या फिर फेक ईमेल्स या वेबसाइट को ऑन ना करें, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैक करें, ये
ऐसा आप देख रहे हो, आप इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स का हो सकता है, तो आपका भी हो सकता है। जो जेन्युइन वेबसाइट है, आपको पता चल चलेगा जेन्युइन वेबसाइट है, तो उसका एक रूल है, आप नेट पे सर्च कर लो, देख लो, पूछ लो कि किसी ने इस वेबसाइट पे काम किया है, इससे कुछ बुक किया है, इससे कुछ उन्होंने लिया है, इसलिए आप उसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप छोटी मोटी कंपनियों पे मत करो। और हाँ, आपको फायदा होता है, करो, ऐसा नहीं है, उसको पहली बार अच्छे से जान लो कि वो किस टाइप का है, किस चीज का है ना, क्या आप चाहते हो उससे, आपकी नीड क्या है वेबसाइट से, तो उसको पहले जान लो कि वो दे सकता है, वो फर्जी तो नहीं है, इसके बाद ही आप उसे परचेज करो। और हाँ, कभी भी आप पेमेंट करते हो डेबिट कार्ड या किसी भी यूपीआई से, तो जेन्युइन से ही करो पेमेंट, फोन पे, पेटीएम से ही करो, किसी भी फर्जी वेबसाइट से ना करो, तो आपका भी लॉस हो सकता है, हैक तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपके बैंक से पैसे भी जा सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखो। अब कोई कॉल्स आते हैं तो उससे भी सतर्क करो। हाँ, तो मैं कैसे बता देना चाहता हूँ, बता रहा था मेरा दोस्त था साहिबाबाद से, जिसका साइबर क्लिनिक से बोल के उन्होंने बोला कि हम आपको एक कंपनी, हमारी सैनिटाइज की कंपनी है, जिससे जिसका आप प्रमोट कर दो, और एड्स है हमारे, तो इसको एड्स आप कर दो, हमारी वेबसाइट है, यहाँ के आप एड्स डाउनलोड कर लो और इनका इन्फॉर्मेशन पढ़ लो, आप बिल बना दो। तो उसने जैसे उसका वेबसाइट खोला, तो वेबसाइट खोलने के बाद उसने एक आध दो अलाउ मांगी। तो कभी भी आप अलाउ मत करो, पहली बात तो है ना, एक बार आपने वेबसाइट खोल दी तो अलाउ मत करो। जैसे उसने अलाउ किया और इसके बाद वो देखता है यूट्यूब में जाके, तो यूट्यूब पे खुल जा, वो जैसे ही अलाउ करता है जाके डायरेक्ट यूट्यूब में खुलता है और यूट्यूब हो जाएगा हैक, एक सेकंड में हो जाता है। तो उसका मैंने करा दिया रिकवरी। और अगर आपको जानना हो कि वो व्यक्ति कौन है और उसका दोस्त कौन है, मैं उसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप जाकर उससे बात कर सकते हो कि भाई आपने कैसे, कैसा हुआ था आपके साथ, वो आपको प्रूफ दे देगा, लाइव प्रूफ दे देगा, है ना। तो आज का वीडियो इसी पर्पज से था। और तो गाइज, बहुत ही जल्द एक नई वीडियो आएगी, उसे देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और इस वीडियो को भी लाइक करो, शेयर करो, अच्छा इन्फॉर्मेशन मैंने आज दिया तो इसे लाइक कर लो और सब्सक्राइब करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जो नया वीडियो पर सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक बात और बता देना चाहता हूँ जाते जाते, कि जो हमारी पिछली वीडियो थी भोपाल की, वो नहीं आ पाई, जो हो गया यहाँ पे लॉकडाउन, और कल रात से हो गया था लॉकडाउन, अब रहेगा ये 2-3 तारीख तक रहेगा लॉकडाउन, जो हुआ है 10 दिन का लॉकडाउन, इसके बाद देखेंगे वीडियो आता है तो बनाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और घर पे रहो, सेफ रहो, फिर बाय बाय हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत।